हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील भाटी एक बार फिर आपके लिए एक नई क्लास के साथ तैयार हूँ। आप भी तैयार हो जाइए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर। और इस बार हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोज। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इस गुणा में कितनी जीरो की संख्या होगी या कितनी जीरो की संख्या नहीं होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, तो फटाफट देखते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे पेन ले लेते हैं पहले। कई बार क्वेश्चन होता है कि 1 × 2 × 3 × 4 और अप टू 50, इस पूरी गुणा में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ही हम कहते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या इस गुणा में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आओ करते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात कि कितने शून्य होंगे। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है और फैक्टोरियल के रूप में भी लिखा आ सकता है। यानी जब एक से किसी नंबर तक गुणा होती है तो उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। और फैक्टोरियल दो तरह से लिखे होते हैं, एक तो इस तरह से लिख के भी लिखते हैं कि फैक्टोरियल 50, इसका मतलब क्या हुआ, ये ही इसका मतलब है। और एक इस तरह से भी लिखा होता है 50 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये ही है। तो इसमें शून्यों की संख्या, यानी जब ये सब गुणा होगी तो शून्य लास्ट में कितनी आएंगी। तो अब समझते हैं शून्य कैसे आती है। कभी भी 5 में जब हम सम संख्या की गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, शून्य आता है। एक शून्य मिलता है ना, 5 × 2 करें या 5 × 4 करें या कोई भी करें, या 5 × 2 5 × 4, है ना, कोई भी सम संख्या ले तो क्या मिलेगा, एक जीरो मिलेगा। तो अब ऐसे में हमारे पास सम संख्याएं बहुत हैं, और जैसे 4 है, इसको 2 हिस्से बना सकते हैं, 2 × 2, तो हम क्या करते हैं इसमें 5 गिन लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक 5 कितनी बार आया, और जितनी बार 5 आया उतने ही क्या होंगे, शून्यों की संख्या होगी। अब 5 गिनते कैसे हैं, तो ये भी समझते हैं 5 कैसे गिनते हैं। तो ऐसे में जैसे ये हमने लिखा 50 तक है ना, तो 50, अब इसको हम 5 गिनने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एलसीएम वगैरह निकालते हैं। तो 5 से कितनी बार गया ये, 10 बार। तो 10 बार तो 5 है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें भी 2 बार है, जैसे 25 में 2 बार होता है 5 × 5, तो उसको निकालने के लिए फिर से इसकी 5 से भाग करेंगे जब तक ये होता रहेगा, ये 2 बार, तो 2 ये हो गए। अब तो आगे 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 10 और 2 12, तो टोटल 5 कितने हैं, 12। तो हमारी शून्यों की संख्या भी, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी बच्चों, शून्यों की संख्या भी 12 होगी। तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे, शून्य हमेशा कैसे निकलता है, 5 × सम संख्या से निकलता है। तो हम 5 गिन के काम चला लेते हैं। कई बार सम संख्या गिन के भी हो जाएंगे क्वेश्चन, जब सम संख्याएं कम होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, आप शेयर भी करते रहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना है कि शेयर करने में संकोच करें या लापरवाही बरतें, नहीं इसमें भी लापरवाही नहीं बरतनी है, दबा के शेयर करना है आपको, जो और भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें और भी चीज़ों को समझ सकें। आते हैं और क्वेश्चन की तरफ, कुछ और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, अब आप करके बताएंगे। पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और अप टू 250 तक, 250 तक की गुणा है, और इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। में कई बार ऐसे लिखा आता है दाईं ओर से शून्यों की संख्या, दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वही मेथड है कि 250 लिया हमने, अब इसको करेंगे फटाफट 5 से भाग, कुछ ने कर लिया होगा, आप कीजिए फटाफट और फिर मैच कीजिए कि मिलाइए कि इसी तरह से हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है। तो सबसे पहले 5 से भाग होगी, कितनी बार जाएगा, 50 बार, आपने 50 लिख लिया, ठीक है।
अभी भी 5 से भाग हो जाएगा, फिर से आपने 5 से भाग कर दिया, कितनी बार? 10 बार, 10 ये हो गए। अब फिर से 5 से भाग कर दिया, कितनी बार? 2 बार, 2 ये हो गए। अब आगे तो नहीं होगा, तो बस ये जोड़ लिए 62, और ये ही हो गया हमारा आंसर कि शून्यों की संख्या कितनी होगी? 62 होगी। तो एक से शुरू जब भी होंगे तब आप इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, एक से शुरू नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो हम इनको किस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, तो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 51 × 52 × 53 और अप टू 200 तक, 200 तक, इसमें शून्यों की संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसे तो हम फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, यानी शून्यों की संख्या जब भी ज्ञात होगी जब वो एक से शुरू हो। अब ये एक से शुरू तो है नहीं, कहाँ से शुरू है? 51 से, 51, 52, 53, और हम 5 का पहाड़ा ऐसे थोड़ी ना पढ़ सकते हैं सीधा कि 5, 11, 55 और 5 फिर 12, 60, हम तो एक से पढ़ते हैं, तो वही प्रॉब्लम है। तो इसे हम एक से बना लेते हैं। एक से कैसे बनाते हैं समझते हैं इसको। तो हम इसे एक से बना लेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 और कहाँ तक? 200 तक, एक से बना लिया। लेकिन आप कहोगे कि ये क्या बात हुई सर, इसमें तो आपने ज़बरदस्ती फालतू लिख लिया। जितना फालतू लिखा उतना ही वापस भाग कर दिया, 1 × 2 × 3 × 4 और कहाँ तक? 50 तक। तो जो फालतू लिखा है वो कट जाएगा, रह क्या जाएगा हमारा? 91 से 200 तक। तो ये ऊपर वाले में आप शून्यों की संख्या ज्ञात करोगे, इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी? अब अलग अलग कर लेते हैं। 200 में इसमें शून्यों की संख्या आएगी, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार? 40 बार, 40 तो ये आ गए। आपने फिर से 5 से भाग की, 8, 8 ये आ गए। अभी भी 5 से भाग जा रहा है तो फिर से कर लेंगे एक बार, 5 × 5, 1 ये, टोटल कितने हो गए? 49। तो ऊपर शून्यों की संख्या कितनी आई? शून्यों की संख्या आई 49 शून्य, और बटे में कितने शून्य आए? तो 50 वाला भी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले आप सभी ने, हमने किया था 50 5 से, है ना? तो 10 बार और फिर 5 से 2 बार, तो 12 ये, और नीचे आए हमारे 12 शून्य। तो अब देखो 12 49 से भाग नहीं होता, लेकिन शून्यों की संख्या भाग में घटती है, शून्यों की संख्या भाग में घटती है और गुणा में जुड़ती है। ये दो लाइनें आपको याद रखनी है, लिख लो इनको सभी, यहाँ पे स्टार बना के एक लाइन लिख लो, भाग में शून्यों की संख्या घटती है और गुणा में शून्यों की संख्या जुड़ती है। तो यदि भाग में घटती है तो आप इसे घटा लेंगे, क्योंकि हम भाग नहीं कर रहे हैं, हम शून्यों की संख्या गिन रहे हैं। तो 49 से 12 घटाए तो कितने आ गए? 37, और ये ही हो गया हमारा आंसर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी भाग होगा तो भाग में शून्यों की संख्या घटती है। लिख लेंगे इसको जिससे कि याद रहे, क्वेश्चन के साथ ही लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम गुणा का, जिसमें आप देखोगे कि गुणा में शून्यों की संख्या जुड़ती है। आते हैं एक और क्वेश्चन पर, आप इसको नोट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 40 × 30 क्या मतलब हुआ इसका? 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक? 40 तक। और फिर इसके बाद एक और गुणा आएगी क्या? 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक? 30 तक। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों करते हैं सबसे पहले 40, तो 40 के लिए आप कर लेंगे, 40 के लिए 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो 8 तो ये हो गए। अभी एक बार और जाएगा, एक ही हो गए, टोटल कितने शून्य हो गए? 9, यहाँ से निकल के आएंगे 9, तो शून्यों की संख्या 9, यानी कि 9 शून्य तो यहाँ से निकल के आए। और इससे कितने शून्य निकल के आएंगे? 30 में हम भाग करेंगे 5 से, कितना बार गया? 6 बार,
अच्छा छः ही आ गए, अभी भी एक बार और भाग जा सकता है, पाँच एक में पाँच, एक ही आ गया, तो टोटल कितने हो गए सात, और सात शून्य ये हो गए। अब बीच में क्या है, गुणा है। अब यदि गुणा है तो क्या करेंगे, शून्यों की संख्या जुड़ जाएगी, सात और नौ इतने शून्य और इतने शून्य जुड़ के कितने हो जाएंगे, नौ और सात सोलह, सोलह शून्य हो जाएंगे इस गुणा में, और यही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही हैं, तो आप भी अब शेयर करते चलिए, क्योंकि हम अच्छे से समझा रहे हैं तो आप अच्छे से शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, बहुत अच्छे। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरह से, एक गुणा तीन गुणा पाँच गुणा सात गुणा नौ और निन्यानवे में शून्यों की संख्या, इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ देखें, शून्य हम ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि पाँच और दो का कॉम्बिनेशन बनता है, पाँच गुणा सम संख्या। देखो पाँच तो यहाँ मिलेगा पंद्रह में मिलेगा पाँच आगे, है ना, पच्चीस में मिलेगा, लेकिन सम संख्या क्या है, यहाँ पर सम संख्या एक भी नहीं है ना, क्या एक भी सम संख्या है, कोई भी इवन नंबर या सम संख्या नहीं है। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी बच्चों, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या शून्य ही हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी, शून्यों की संख्या शून्य जीरो, है ना, कोई शून्य नहीं आएगा इस पूरी गुणा में, कोई जीरो नहीं आएगा इस पूरी गुणा में, क्यों, क्योंकि सम संख्या ही नहीं है, और बिना सम संख्या के कैसे शून्य बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ क्लियर है। और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं देखो, एक और देखते हैं, कई बार सम संख्याओं की गुणा आएगी, जैसे दो गुणा चार गुणा छः गुणा आठ गुणा दस, और कहाँ तक, ये लिख दिया जी 120 तक में शून्य ज्ञात करें। अच्छा, इसमें शून्य ज्ञात करेंगे तो कितने शून्य आएंगे, अब आप कहोगे इसमें पाँच तो है नहीं, ये भी तो लगातार नहीं है, ये लगातार नहीं है, लेकिन लगातार बनाए जा सकते हैं। देखो सम संख्या तो सारी है, सम की तो कोई कमी नहीं है, हमको केवल क्या गिनना है, पाँच, तो क्यों ना मैं सब सबके दो कॉमन ले लूँ, दो सारे दो कॉमन ले लूँ, दो पर कुछ घात आ जाएगी, यहाँ पर अभी नहीं पता है हमें कितनी आएगी, लेकिन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, दो एकम दो, ये दो दूनी चार, ये दो तिया छः, और 120 यानी 60, इस तरह से आ जाएंगे। तो आप इस वाले सिस्टम में पाँच गिन लेंगे, तो इस वाले में पाँच कितने होंगे, तो हम 60 से भाग लगाएंगे, ठीक है, ये लगाया तो कितनी बार गया, 12 बार, तो 12 ये आए, और फिर पाँच से भाग देंगे तो दो ये आ जाएंगे, दो ये आ गए, टोटल कितने हो गए 14। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14, इतने जीरोज हो जाएंगे, 14 शून्य हो जाएंगे, इतने जीरोज हो जाएंगे हमारे 14। तो ये चीज़ क्लियर है, विषम गुणा को हमने किस तरह से हैंडल किया, सम गुणा को हमने किस तरह से सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाओगे, एक बार इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। एक और जैसे प्लस, तो अभी इतना ही समझते हैं, इसमें जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो सब आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।